वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेव सक्सेस कोचिंग सेंटर में। विगत दिनों मैंने 10वीं बार की जो मैथमेटिक्स है उसका प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण समाधान बताया था, और आज मैं आपके समक्ष 10वीं बार की जो प्रश्नावली 1.2 है उसका पूर्ण रूप से समाधान बताने जा रहा हूँ। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न हमारा है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा प्रश्न हमारा 5005, पाँचवा प्रश्न हमारा 7429। तो चलिए इसका जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है 140 है, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं 140 का, तो 2 से 70 बार में डिवाइड होता है, 2 से लगाते हैं 35 बार में, 5 7 35, तो 140 का जो गुणनखंड आएगा 2 × 2 × 5 × 7, 2 2 12 है, इसलिए 2 का पावर 2, 5 1 बार है और 7 1 बार है, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न हमारा जो है वो है 156, तो 156 इसी प्रकार लगाते हैं, 2 से 2 सती 14, 2 8 16, 2 से लगाएं 2 3 6 2 9 18, 3 3 3 9, तो 156 का गुणनखंड 2 × 2 3 × 13 प्राप्त होता है, 2 का पावर 2 3 × 13, तो इसका उत्तर हमको ये प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है 3825, इसका भी गुणनखंड जब करते 3825 का, तो पहले इसको हम लगाते 3 से, 3 × 3 3 × 6, यहाँ 2 बच गए, 2 2 22, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 72 14 15, 3 6 12, 3 9 6, 3 5 15, 5 से लगाते हैं 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से लगाते हैं तो 17 5 85, तो इसका जो गुणनखंड होता है 3 2 बार है, 5 2 बार है और 17 1 बार है, 3 के पावर 2 5 के पावर 2 और 17, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 5005, इसका भी गुणनखंड करते हैं, तो 5005 का जब गुणनखंड करते हैं 5 से, 5 एकम 5 5 एकम 5, इसको अब लगाते हैं 7 से, तो 7 से जब लगाते हैं तो 143 बार में कटता है, 4 3 7 1 8, 11 11 14 में से 11 3, 3 3 33 33, इसको गुणनखंड करने के बाद 5 × 7 × 11 × 13 प्राप्त होता है, इसका उत्तर ये हमको प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न हमारा है 7429, इसका भी गुणनखंड इसी प्रकार करते हैं, 7429 का जब इसको हम लगाते हैं 17 से, तो ये 437 बार में विभाजित हो जाता है, और जब इसको हम 19 से विभाजित करते हैं तो ये 23 बार में विभाजित हो जाता है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा हमका 17 × 19 × 23, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। तो पहला प्रश्न है 2691, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो पहला प्रश्न अभी पहले हल करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो 13 दुना 26, तो 2 गुना 13 हो गया। उसी प्रकार जब 91 का गुणनखंड करते हैं तब 7 से लगाते 13 सौ 91, तो 7 गुना 13, तो ये 13 और ये 13 जो मिल जा रहा है तो एच सी एफ हमको यही प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एल सी एम जो होता है ये 2 और 7 नहीं मिल रहा है, तो इसको उतार देंगे, लेकिन जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। तो 7 दुना 14 और गुना 13 हो जाएगा 182। अब इसकी जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं 26 और 91 हैं, तो 26 गुना 91 एलसीएम हमारा आया है 182, और एचसीएफ आया है 13। ये जब दोनों को गुना करते हैं तो गुना करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमको 2366 आता है, इसका भी गुणनफल 2366 आता है। पहला प्रश्न हमारा ये रहा। दूसरा प्रश्न जो है हमारा वो है 510 और 92। तो पहले हम 510 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 से लगाते हैं 510 को, तो 2 से लगाते हैं तो ये हमको 2 दुना 4, 1 1 2 5 10, तो 5 10 255 बार में कटा, 5 5 10 12, 3 से लगाते हैं 3 8 24, 3 5 15, 5 से लगाएंगे 17 5 85। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 प्राप्त हुआ, और 92 का इसी प्रकार गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाते हैं तो 46 दुना 92, 10 लगाते हैं तो 23 दुना 46, तो 2 गुना 2 गुना 23, तो ये 2 और 2 मिल गया, ये हमारा एच सी एफ हो गया। लेकिन एल सी एम जब भी निकालेंगे तो जो मिलता है उसको एक बार लिखेंगे, ये 2 2 को, ये 2 नहीं मिला लिख देंगे, ये 3 नहीं मिला इसको भी लिख देंगे, 5 नहीं मिला इसको भी लिखेंगे, 17 नहीं मिला और 23 भी नहीं मिला। तो इसको जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमको 23,460 प्राप्त होता है। इसका फिर हम जांच जब करते हैं, जब इसका कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है, तो 2 संख्या हमारे 510 और 92 हैं, एलसीएम आया 23,460 और एचसीएफ आया है 2। 6 दुना 12 2 1, 4 दुना 8 1 9, 3 दुना 6 2 दुना 4, तो इसका जो उत्तर आया 46,920 ही आएगा, इसको भी गुना करेंगे तो यही आएगा 46,920। तीसरा जो प्रश्न है वो है 336 और 54। इसी प्रकार 336 का गुणनखंड करते हैं,
जब दोस्त लगाते हैं तब 32 268 बार में कटता, 2 से लगाएंगे तो 84 बार में कटता, फिर 2 से लगाते हैं इसको तो 42 बार में, 21 बार में कटता है, फिर 3 से लगाते थे 3 सती 21, तो 2 1 2 3 4 इसको लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, तो 1 2 3 4 है, 2 का पावर 4, 3 1 बार और 7 1 बार, इसमें आता है। तो हमको इसमें इसका कोई गुणनफल नहीं करना, कभी फैक्टराइज करना है, तो कितने बार आया है इसमें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और निकालते हैं 54 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 54 जो है 2 से लगाते हैं, 2 दुना 4 2 सती 14, 3 9 27, 3 3 9, तो 2 1 बार है और 3 3 बार है, तो इसमें लिखेंगे HCF, तो इसमें 2 और 2 मिला और 3 मिल रहा है, तो 2 गुना 3 6 HCF हो गया, और LCM जब निकालते हैं तो 2 6 3 हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 7, तो इसको जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमको एलसीएम जो होता है 3024 प्राप्त होता है। जब इसकी जांच करते हैं इसी प्रकार हम कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के बराबर, तो 2 संख्याएं 336 और 54 है, तो LCM हमको 3024 आया और HCF 6 हुआ। जब इसको गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आता है 18,144 इसको, तो इसका भी वही आएगा, इसका उत्तर हमको ये प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला है 12 15 21, दूसरा है 17 28 29, तीसरा है 8 9 25। तो पहला जो प्रश्न हमारा है 12 15 21 है, तो 12 15 21 का पहले हम गुणनखंड करते हैं, तो 12 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 छक 12, 2 3 6, 15 कैसी प्रकार करते हैं, तो 3 5 15, 21 का इसी प्रकार गुणनखंड करते हैं, तो 3 7 21। इसमें हमको LCM और HCF निकालना है, तो पहले HCF लिखते हैं कॉमन फैक्टर, तो ये 3 और ये 3 इसमें मिल गया, इसलिए ये 3 हमारा जो है इसका HCF हो गया, और LCM जब निकालेंगे तो ये 3 तो मिल गया, 3 लिख दिए, लेकिन ये 2 2 नहीं मिला, 2 2 नहीं मिला तो लिख देंगे, 5 नहीं मिला 5 लिख देंगे, ये 7 भी नहीं मिला तो 7 भी लिख देंगे। जब इसका गुणनफल गुना करेंगे हम, तो गुना करने के बाद इसका जो गुणनफल होता है, गुणनफल हमको 3 3 6 14 12 12 25 60, ये 7 6 7 42, इसका उत्तर जो है 420 प्राप्त होता हमको,
अगला प्रश्न हमारा जो है 17, 23 और 29। तो 17 का गुणनखंड करेंगे, तो 17 का गुणनखंड करने के बाद हमको 1 और 17 प्राप्त होता है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 23 का भी गुणनखंड करते हैं तो 1 और 23 ही आता है। 29 का भी गुणनखंड करते हैं तो 1 और 29 आता है। तो तीनों में एक एक और एक कॉमन है, तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। LCM एक तो लिखना कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसको हम गुना करेंगे तो 17 28 गुना 29। तो इसको गुना करने के बाद 11,339 आता है। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है 8, 9 और 25। तो 8 का जो हम गुणनखंड करते हैं तो 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, तो 2 गुना 2 गुना 2। 9 का करते हैं तो 3 गुना 3, और 25 का करते हैं तो 5 गुना 5। तीनों में कोई चीज़ मिलता नहीं हमको, तो कुछ नहीं मिलता। तो तीनों में कुछ नहीं, एक तो ज़रूर मिलता है, इसलिए HCF इसका एक रहेगा। और LCM जब कुछ नहीं मिलता है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हम लिखेंगे, 3 तिया 9 लिखेंगे, 5 पचे 25 हम लिखेंगे, 25 अठे 200 गुना 9, इसका 9 दुना 18, 18 1800। इसका उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि HCF 306 और 657 का 9 है, तो इसी का LCM क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दो संख्याएं हमारा दिया 306 गुना 657। एलसीएम तो नहीं मालूम है, निकालना है, HCF ना दिया है। तो 9 से जब विभाजित करते हैं इसको, तो 9 से विभाजित करने के बाद इसको मान लेते हैं 3 तिया 9 काट लेते हैं, या 3 9 से डायरेक्ट काटते हैं, 9 से 9 तिया 27, 28 29, 9 चौक 36। 9 से डायरेक्ट हम जब काटते हैं इसको, तो कितना बार में कट रहा है, 34 बार में। यहाँ बच गया केवल LCM, तो 34 गुना 657। तो LCM जो है इसका हम गुणनफल गुना करते हैं जब इनको, तो गुना करने पर 22,438 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि किसी संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसका और देखते हैं कि मान लेते कोई संख्या, माना कि 6n कोई संख्या है, क्वेश्चन में 6n है, जो शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। तो कारण क्या हुआ, अगर किसी का एन का मान हम, एन मतलब नेचुरल नंबर है, 0 लेते हैं, इसके एन के पावर जो है 1 लेते हैं 2 लेते हैं, इस तरह लेंगे, तो अगर हम 6 का पावर 6n है, तो इसका पावर अगर हम 0 रखते हैं, किसी का पावर 0 बराबर 1, 6 का पावर यहाँ 1, तो 6 सेकंड 6
से पावर तो हमारा 6 गुना 6 36, तो इसी प्रकार जो है और संख्या आती जाएंगे। हम लिखेंगे इस प्रकार कोई भी संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या एन के लिए सिक्स एन अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकते। अगला प्रश्न हमारा है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसको कह रहा है कि भाज्य संख्या है क्यों, तो पहले इसको हम लेते चलते हैं। पहला जो है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, दोनों साइड 13 है तो 13 बाहर कर लेते हैं, तो बच गया 7 गुना 11, 7 गुना 11 हो गया। चौड़ी इसके बदले 1 बचेगा, तो 11 7 77 और 1 78, ये 13 रहने देते हैं, लेकिन 78 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 3 6 1 8 18 3 6 13। ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिखेंगे, तो ये सब ये जो अंक आएगा 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, तो इतना से विभाजित हो जाएगा, इसलिए भाज्य संख्याएं हैं। क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या है। पुनः हम लिखेंगे, हमको ये इसको भी सॉल्व करके दिखाना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, 5 और 5 6 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 गुना 6 ना 4 गुना 3 गुना 2 एकम 2, ये 5 बार कर देते हैं, 1 इसको गुना करते हैं, 3 ना 6 6 6 24, इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद हमको आता है इसको यहाँ से यहाँ तक 1008, और प्लस 1 है तो 5 गुना 1008 और 1009, तो ये भी जानते हैं कि जब कोई संख्या 2 से ज़्यादा 1 से भी कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, और 1009 से, ये भी भाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 5 से भी और 1009 से। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, उसमें कह रहा है कि 18 मिनट और 12 मिनट लग रहा है ग्राउंड का चक्कर लगाने में, तो उसका 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 18 का डायरेक्टली एलसीएम बना देंगे तो अभी आंसर आ जाएगा, तो 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं, 2 6 12 2 9 18 3 6 7 3 9 6 3 3 9, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 2 बार है, 3 2 बार है, 10 9 4 3 3 9 9 6 36, तो 36 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज मैंने आपके समक्ष 10वीं बार की जो 1.2 चैप्टर था उसका समाधान किया। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि अब तक लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पहुंचे रहे। धन्यवाद।